ये है भाई नए जमाने की मॉन्स्टर कार। देखो भाई पूरी तरीके से ये ऑफ रोडिंग के अंदर तहलका कर रही है। ये देखो भाई ये तो ड्रिफ्ट मारने लगी, लेकिन अचानक से देखो मैं कुछ इसको नया तब्दील कर चुका हूँ। वीडियो के एंड तक जरूर से देखना, काफी बड़ा सरप्राइज है दोस्तों। ये देखो कितना मस्त, मैं काफी स्पेशल चीज आपको बताने वाला हूँ। ये स्पेशल चीज को नाम है कल ही अनबॉक्सिंग कर आपको बता दिया था, इसको मैंने स्पेशली चाइना से इंपोर्ट कर दिया था और ये 2005 का ना एक बेहतरीन मॉडल है। ये देखो भाई ये है 2025 का एक भाई अपग्रेडेड मॉडल, क्योंकि यहाँ पर देखो रॉक रोलर की जो पिछले वाली बॉडी रहती ना उसके ऊपर कंपनी अटैच कर दी भाई, दिखने में एकदम कूल दिख रही है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इसकी ऑफ रोडिंग करा के देखूंगा क्या भाई इसकी रेतीली मिट्टी के अंदर ये चलेगी नहीं चलेगी। आज की वीडियो काफी ज्यादा एपिक और भयानक होने वाली है। क्यों बोलोगे, इसके अंदर टर्बो भी, और टर्बो के अंदर मैंने न्यू वाली बैटरी इंस्टॉल कर दिया है लिथियम पॉलीमर, क्योंकि इसके अंदर थी भाई लिथियम आयन बैटरी जो की पावर में बहुत ज्यादा लो थी। इसके अंदर मैंने नई वाली डीसी मोटर फिट कर दिया है, वो डीसी मोटर ना 250 उसका पावर है। आज देखेंगे इतनी छोटी गाड़ी को ऑफ रोड करा के भाई ऑफ रोड के अंदर चलेगी नहीं चलेगी। देखो भाई दिखने में ही भाई एकदम छोटी दिख रही है, तो आ जाओ भाई ऑन ट्रैक के ऊपर रख के इसको चलाएंगे। बंडे के ऊपर से चलेंगे, फिर कंक्रीट के ऊपर से चलेंगे। पहले मैं आपको रेत के ऊपर चला के बताता हूँ कैसा चलती है गाइस, बेहतरीन मॉडल है। तो आ जाओ गाइस इसकी ऑफ रोडिंग करा के देखेंगे क्या भाई इतनी छोटी गाड़ी आज ऑफ रोडिंग करेगी नहीं करेगी। ये गाड़ी भाई बहुत ज्यादा कूल दिखती है, इतनी ज्यादा छोटी मैंने आज तक नहीं देखा है भाई। ये देखो कितनी छोटी, और ये ना पूरी तरीके से रॉक रोलर के ऊपर बेस्ड गाड़ी है। तो ये रॉक रोलर के साथ में पेयर होके इसको बनाई करते है भाई चाइना की कंपनी। ये रहा इसका रिमोट, यहाँ से मैंने रिमोट को भी ऑन कर दिया। इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है गाइस, बैटरी की जो वोल्टेज है ना करीबन 3.7 वोल्ट और 1200 mAh ये पावर प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ से एक स्विच रहता है, ये मैंने ऑन कर दिया है गाइस, और अपनी गाड़ी कम्प्लीटली ऑन हो चुकी है। और ये ना पूरी तरीके से टाइप सी रहता है, देखो टाइप सी चार्जर से भाई ये चार्ज हो जाती है, क्योंकि भाई इसके अंदर भाई इनबिल्ट बैटरी है। वाला ये सस्ती वाली कार भाई ऑफ रोडिंग करेगी नहीं करेगी। देखो गाइस यहाँ पर तो मैंने इसको ऑफ रोड में रख दिया है, तो आज भाई चैलेंजिंग पार्ट ये रहेगा। ये रिमोट के अंदर भाई टर्बो भी है, टर्बो दबा के देखेंगे टर्बो दबाने के बाद गाड़ी कितनी स्पीड में आती है। देखो गाइस मैंने गाड़ी को सेट कर रख दिया है। ओ भाई देखो ये तो मट्टी के अंदर ड्रिफ्ट मार रही है। ओहो देखो यार ये काफी बेहतरीन चल रही है। अरे भाई ये मट्टी के अंदर राउंड राउंड ड्रिफ्ट मार रही है। ये देखो अब इसको सीधा चला के मैं देखने वाला हूँ। ओ भाई देखो इसकी रेंज काफी ज्यादा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे को इसकी रेंज दिख रही है। ये देखो भाई ये ड्रिफ्ट भी बहुत ही मीडियम आ रही है, यहाँ पे रेतीली मट्टी है। देखो गाइस इधर मट्टी कुछ ऐसी है, तो ऐसी मट्टी के अंदर ये गाड़ी चलना बोले तो भाई नामुमकिन की बात हो जाती है। ये देखो भाई गाड़ी के अंदर भाई एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा पावर है। यहाँ पर मैं इसको चलाने की कोशिश करूँगा भाई, इधर रेतीली मट्टी बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी को चलने एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ये मारी भाई ड्रिफ्ट, चल जा यार, ये चल गई चल गई। गाड़ी तो कम्प्लीटली चल रही है, अगर मैं बूस्टर नहीं दबाऊँगा ना तो गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। ये देखो भाई बहुत ही बेहतरीन ये चल सकती है, वहाँ तक ये चल गई। इसके अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है गाइस, इसको बुलाएंगे वापस क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लो चल रही है। ये देखो भाई मैंने इसको चालू तो कर दिया है, ये देखो थोड़ी थोड़ी दूर पे ये बार बार अटक जा रही है। देखो भाई रिवर्स वहाँ से हो चुकी है अपनी गाड़ी। अब ये देखो भाई बहुत ज़्यादा स्पीड इधर तक आ रही है अपनी, इतनी छोटी गाड़ी भाई इसकी मोटर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, क्योंकि रिसेंटली मैं इसकी मोटर भी चेंज करके 155 मोटर डाल दिया गाइस। ये देखो ओ भाई देखो ये मट्टी के अंदर ही स्केड मारना चालू कर दी। गाइस गाड़ी को तो मैंने ऑन ट्रैक के ऊपर रख दिया था, यानी कि मट्टी के ऊपर रख दिया था। देखो यहाँ पर रेत भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से इसको चालू करके चलाएंगे गाइस। देखो यहाँ पर कम्प्लीटली अपनी रॉक रोलर काफ़ी एक्सट्रीमली दिख रही है। ये देखो भाई पुरानी जैसी आती थी ना यार, ये वैसी ही दिख रही है। यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट कर दिया, ये देखो भाई यहाँ पर से चल गई। ये देखो भाई बहुत ज़्यादा इधर मट्टी है ना गाइस, देखो मट्टी के ऊपर ये ज्यादा तरीके से नहीं चल रही गाइस। देखो मैं इसको पूरी तरीके से ऑफ रोड के अंदर उतार चुका हूँ भाई, काफी ज्यादा मजे से चल रही है मट्टी के अंदर। यहाँ पर देखो रेतीली मट्टी बहुत ज्यादा हो चुकी है गाइस मेरे ग्राउंड के अंदर, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे काफी ज्यादा धूप नहीं खिल रही है ना, तो भाई रीजन हो सकता है डस्ट आने का। लेकिन यहाँ पर जो मट्टी है ना यार बहुत ज्यादा खतरनाक है गाइस, अपनी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। फिर भी देखो यार हिम्मत करके इतनी छोटी गाड़ी भाई इतने टफ ऑफ रोडिंग में चल रही है, तो भाई मानना पड़ेगा ये गाड़ी के अंदर भाई बहुत ज्यादा हिम्मत है।
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। यहाँ पर देखो भाई, गाड़ी के अंदर ऐसी पावर मैंने आज तक नहीं दिखी। देखो भाई, गड्ढों के ऊपर आके अटक जा रही है, फिर भी ये फोर व्हील ड्राइव का यूज करके, देखो भाई रिवर्स का यूज कर रही, कैसी है रिवर्स गियर यूज करके देखो निकलना चाह रही है ये गाड़ी। देखो फिर भी निकलने वाली है, निकल गई नहीं निकल रही गाइस, क्यों बोलो? इसके अंदर खाली टू व्हील ड्राइव है, अगर फोर व्हील ड्राइव रहता तो ना मजा आ जाता था गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करो। गाइस यहां पर देखो बंडे काफी ज्यादा आ चुके हैं, फिर भी अपनी फोर व्हील ड्राइव का नहीं यूज करके टू व्हील ड्राइव का यूज करके अपनी गाड़ी निकल चुकी है गाइस कंप्लीटली। भाई गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा दम दिख रहा है भाई, ये देखो गाड़ी कंप्लीटली यहाँ पर अटकने वाली थी, फिर भी ये बाहर निकल चुकी है। देखो टू व्हील ड्राइव का यूज करके, इसके अंदर फोर व्हील ड्राइव नहीं है, इतना पावरफुल ये कैसा बनी बोले तो? मैं इसका मदरबोर्ड भी चेंज कर दिया था और मोटर भी चेंज कर दिया था, बैटरी तक भी मैंने इसकी अपग्रेड कर दिया है, तो इस कारण इसके अंदर भाई पावर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये देखो भाई बहुत ज्यादा ये स्पीड चल रही है, ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो गाइस गाड़ी कंप्लीटली अटकने वाली थी, फिर भी देखो टू व्हील ड्राइव का यूज करके ये बाहर निकल चुकी है। भाई मानना पड़ेगा इसके पास काफी ज्यादा दम है। ये देखो भाई फिर भी छोटे छोटे रास्तों पे ये काफी जल्दी अटक जा रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बंडे है और कटीले बंडे है भाई, कटीले रास्तों पे से ये चल रही है भाई, मानना पड़ेगा कटीले रास्ते इसका पीछा नहीं छोड़ रहे दोस्तों। ये देखो भाई गाड़ी तो कम्प्लीटली कटीले रास्तों पे चल रही है, कम्प्लीटली अपनी जो रॉक रोलर है भाई कटीले बंडों के ऊपर आके जैम हो चुकी है। देखो इधर आके ये पूरी तरीके से जैम होने वाली थी, फिर भी टू व्हील ड्राइव का यूज कर गई, आगे बढ़ गई, क्योंकि भाई इसके अंदर मैं 250 की मोटर डाला जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो ये देखो भाई हर चीज से ये पार कर निकलने वाली है। आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ अमेजिंग भी करने वाला हूँ गाइस, वीडियो के अंदर जरूर से बने रहना, अपन इसको क्लासिक स्टाइल में भी बनाएंगे दोस्तों। देखो भाई यहाँ पर अपनी गाड़ी स्केट पे स्केट मार रही है भाई, मोटर चेंज करने के बाद इसके पास तो बहुत ज्यादा पावरफुल मोटर डाला भाई। जब का ये देखो भाई ड्रिफ्ट मार रही है, मट्टी के ऊपर रहती थी मट्टी के ऊपर, कोसी आरसी का ड्रिफ्ट मारती है गाइस। ये देखो ये तो पूरी तरीके से ड्रिफ्ट मार रही है भाई। वाली गाड़ी को तो मैंने ऑफ रोडिंग के अंदर इसको चलाकर देख लिया था भाई, ये ऑफ रोडिंग के अंदर देखो इतनी छोटी गाड़ी चल रही थी, तो लाइक जरूर से कर देना। चलो और एक ट्रैक के ऊपर इसको चलेंगे भाई, जिस ट्रैक के ऊपर भट्टी भी रहेंगी गई। चलो मैं इसकी ऑफ रोडिंग करा के देखने वाला हूँ ऑफ रोड के अंदर ये कैसे चलने वाली है गाइस। यहाँ पर देखो देखो गाइस ये अपनी छोटी गाड़ी, अब इसके ऊपर अपन इसको लगा के देखेंगे ये कैसा लगने वाला है। देखो यहाँ पर तो मैंने इसको अटैच कर दिया कम्प्लीटली, के बाद ना भाई एंटिक पीस दिख रही है ना, इसको कस दिया। यहाँ पर अपन को एक स्क्रू कसना पड़ता है क्योंकि दूसरी वाली नीचे बॉडी है ना, वो बॉडी को और ये बॉडी अटैच हो जाती है, तो लगा दिया है गाइस। अभी तक अपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट सब्सक्राइब कर देना भाई। दिखने में एकदम कूल दिख रही है ये, देखो भाई कितनी ज़्यादा कूल दिख रही है, यानी कि यूनिक मॉडल दिख रहा है और मॉडल भाई डिफरेंट टाइप का मैंने रेडी कर दिया है। का ये सनरूफ लगा के देखेंगे भाई, ये लगाने के बाद तो ओ माय गॉड देखो गाइस कम्प्लीटली इसके ऊपर टॉप लग चुका है, मैंने टॉप लगा दिया है। ओहो देखो भाई एक नंबर की क्लासिक मॉडल दिख रही है अपन को। यहाँ पर देखो भाई काफी सारा भयानक दिख रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बॉम्बई टैक्सी बोलकर भी लिखा हुआ है। देखो एकदम चीप क्लास की दिख रही है, लेकिन वास्तव में अपन इसको आरसी में रेडी कर दिए। देखो इधर आरसी मॉडल ये रहा, तो ये आरसी मॉडल के ऊपर मैंने देखो पुरानी वाली चेसिस नहीं रहती है, वो मैंने अटैच कर दिया है। ये कैसे अटैच करा वो वीडियो मैं आपके सामने अब रखने वाला हूँ, वहाँ पर आप एग्जैक्टली देख सकते हो गाइस ये कैसा दिखने वाली है। और भाई बहुत ज़्यादा कूल दिख रही है, देखो इसके अंदर भाई स्टेयरिंग भी मिल जाता है, ये देखो स्टेयरिंग व्हील है। और ये जो क्वालिटी है ना गाइस बहुत ज़्यादा लो है, जैसे कि आप देखते हो टॉयज की दुकान में वैसी इसकी क्वालिटी होने वाली है। और बैक साइड में देखो गाइस काफ़ी बड़ा स्टेपनी व्हील अपन को मिल जाता है, तो भाई ये जो व्हील है ना पूरी तरीके से रबर का है। और नीचे भी आप देख सकते हो गाइस इसके नीचे अपन को प्लास्टिक का रबर का व्हील्स मिल जाता है। और देखो इधर ऑन ऑफ स्विच है, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा ना गाड़ी ऑन हो जाती है। ये देखो भाई कम्प्लीटली बहुत ज्यादा रॉडी दिख रही है कैसी है। ये देखो गाइस मैं इसको पूरी तरीके से यूनिक स्टाइल में रेडी कर दिया और ये पूरी तरीके से भाई विंटेज के जैसी दिख रही है अपन को, एकदम भाई क्लासिक दिख रही है ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद। यहाँ पर देखो गाइस काफी ज्यादा स्पीड चल रही है, फिर भी मैं इसके ऊपर दो बॉडीज अटैच करने के बाद भी देखो भाई पावर काफी ज्यादा दिख रहा है। आप देख ही सकते हो गाइस अपन कुछ नया तरीके से इसको मॉडिफाई करने के बाद भाई काफी ज्यादा यूनिक दिख रही है। देखो भाई फोर व्हील ड्राइव लगाते तो इतना वेट ये कैरी कर सकती थी, फिर भी टू व्हील ड्राइव के ऊपर काफी
काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ये कैरी करके चल रही है भाई। यहाँ पर इसके वेट को और मोटर को बैटरी को मदरबोर्ड को मानना पड़ेगा गाइस। देखो यहाँ तक तो आ चुकी है गाइस, अपनी गाड़ी के पास बहुत ज़्यादा ताकत दिख रही है गाइस। ये देखो क्लासिक मॉडल भाई, बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है। यहाँ पर ये जब टर्न कर रही है ना भाई, अमेजिंग दिख रही है गाइस। ये देख सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा कार्टून दिख रही है। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला था गाइस, लेकिन अचानक से मेरे को बाद में ख्याल आया कि भाई इसके अंदर ही अपन ज्वाइन कर देंगे वीडियो को, बोल के। ये देखो भाई काफ़ी मज़े से ये चल रही है, यानी कि भाई टायरों की ग्रिप ये रोड के ऊपर तक भी छाप रही है भाई। यहाँ पर देख ही सकते हो गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर दिख रहा है। यहाँ तक अपनी गाड़ी आ चुकी है रेतीली मिट्टी के ऊपर। अगर यहाँ से पार करना हो तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर रेतीली मिट्टी भी है और भाई यहाँ की मिट्टी थोड़ी बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर भाई बारिश पड़ी थी, तो भाई उस कारण यहाँ की जो मिट्टी है थोड़ी बहुत ढीली भी हो चुकी है। ढीली ढाली मिट्टी के ऊपर गाड़ी चलना मुश्किल है। ये देखो भाई, फिर भी अपनी गाड़ी है क्लासिक वाली चल रही है। पहले मॉन्स्टर के रूप में मैंने आपको बता दिया था, फिर भाई क्लासिक के रूप में भी मैंने आपको बता दिया भाई। लाइक करो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यूनिक यूनिक मॉडिफिकेशन में करते रहता हूँ। ये देखो भाई काफ़ी मज़े से चल रही है। यहाँ तक तो गाड़ी आ चुकी है गाइस अपनी कम्प्लीटली। अब इसको आगे बढ़ा के देखेंगे कितनी कितनी दूर पर अपनी ये छोटी मॉन्स्टर क्लासिक चल सकती, बोल गई। ये देखो ड्रिफ्ट मारने वाली थी, ये देखो बंडे के ऊपर से भी मस्त तरीके से चल सकती है। यहाँ पर छोटे छोटे बंडे आ रहे गाइस, ये देखो इस बंडों के ऊपर से भी कम्प्लीटली चढ़ जा रही भाई। टू व्हील ड्राइव होने के बाद भी इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर दिख रहा, क्योंकि भाई इसके अंदर भाई रिसेंटली हॉबी ग्रेड वाली मोटर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गाइस, फिर भी पावर एक्सट्रीमली। तो गाइस आपने देखा अपनी छोटी गाड़ी में कैसे चल रही थी भाई, मानना पड़ेगा इसके अंदर जो पावर है ना गाइस एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जब तक के लिए जय भारत।